Hello everyone and welcome back to Balajee online classes. I'm Samra Osmani and today I'm here to illustrate chapter 7 of science of class 2nd and the name of the chapter is Where We Live. Where we live yani hum kahan pe rehte hain. We need a house to live and it is our basic need. Hame rehne ke liye ghar ki zarurat hoti hai aur ye hamari basic needs mein se ek hai. It keeps safe from heat, cold, rain, storm, dust and dirt etc. हमें house क्यों चाहिए होते हैं? हम house अगर हमारे पास घर होगा हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं. ठंड से, गर्मी से, storm से यानी तूफान से, dust से, dirt से, इन सब चीजों से हमारी जो है वो safety रहती है. It also protect us from thieves and wild animals. और हमें और किस चीज से घर बचाता है? थीव से, यानी अगर हमारा घर है हम लॉक कर लेंगे तो थीव से हम बच सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हमारे घर में नहीं आ सकते. सो बेसिकली हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए बहुत जरूरी है. द हाउस आर ऑफ मेनी टाइप्स. अ हाउस मे बी अ कच्चा हाउस और अ पक्का हाउस. हाउस बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं. कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो कच्चे होते हैं, कुछ पक्के. कच्चा हाउस हम किन्हें कहते हैं? कच्चा हाउस इज मेड ऑफ बैम्बू, मड, स्ट्रॉ, क्ले, टाइल्स एक्सेट्रा. जो कच्चा हाउस होता है, आप गाँव में जाते होंगे तो आप देखते हैं वहां पे जो घर होते हैं वो बैम्बू स्टिक या फिर मिट्टी से या पत्थर से बने होते हैं, उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं. एंड व्हाट इज पक्का हाउस? बेसिकली जो कच्चा हाउस होता है वो टेम्पररी हाउस होता है हमारा. अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ सीमेंट, आयरन, रॉड, ब्रिक्स एक्सेट्रा. जैसे अभी आप सब लोगों का घर है, आप लोगों का घर जो है उसमें सीमेंट है, पेंट है, ब्रिक्स है, आयरन है. So, इन सब जो घर होते हैं इस तरह के घर को हम पक्का घर कहते हैं और हम इन्हें ये जो है बहुत लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं और हम इन्हें परमानेंट हाउस भी बोल सकते हैं. जो कच्चा हाउस होता है वो टेम्पररी होता है और जो पक्का हाउस होता है उसे हम परमानेंट हाउस भी बोल सकते हैं. परमानेंट हाउस किसे कहते हैं? अब बंगलो इज अ परमानेंट हाउस, इट इज अ ह्यूज हाउस. बंगलो आपने देखे होंगे ना, कहीं जाते हैं गेट होता है, लॉन होता है, बड़ी बड़ा सा हाउस होता है, उन्हें हम बंगलो बोलते हैं. बंगलो जो है वो परमानेंट हाउस होता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है. वी सी सम हाउसेस बिल्ड टुगेदर इन अ टॉल बिल्डिंग. और हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे हाउसेस जो है वो एक साथ बने होते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स में. उन हाउसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लैट्स. जो हाउसेज हैं उन्हें हम फ्लैट्स बोलते हैं. अ फ्लैट इज अ हाउस ऑन वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. और फ्लैट जो होता है वो हर फ्लोर पे, यानी हर फ्लोर बिल्डिंग के फ्लोर्स पे बहुत सारे घर एक साथ बने होते हैं, उनको हम फ्लैट्स बोलते हैं. अ बिल्डिंग विद मेनी स्टोरीज इज कॉल्ड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं बहुत सारे अगर आपके फ्लोर्स होते हैं तो हम उन्हें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कहते हैं. We can find skyscrapers in big cities. Skyscrapers क्या होता है? एक skyscrapers हम उन्हें कहते हैं अगर कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी है और आप उसको ग्राउंड फ्लोर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आसमान को यानी क्लाउड्स को टच कर रही है. इस तरह की बिल्डिंग को हम skyscrapers बोलते हैं. सो skyscrapers जैसे ये बिल्डिंग्स हमें किस सिटीज में मिल सकती हैं? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता. skyscrapers आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स विद मेनी फ्लोर्स. और skyscrapers जो होते हैं बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. नेक्स्ट इज टेम्पररी हाउसेस किसे कहते हैं? अ कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील, इट इज यूजुअली पुल्ड बाय एन एनिमल लाइक अ बुलक और अ कैमल. कारवा होता है बहुत सारे लोगों का, सो उनका जो घर होता है वो बेसिकली एक व्हील पे होता है यानी पहिया, और वो पहिया खींच कौन रहा होता है? एनिमल्स, या तो फिर आपका बुलक यानी बैल या फिर कैमल. अ टेंट इज ऑल्सो अ टेम्पररी हाउस. टेंट्स आपने देखे होंगे, कभी आप पिकनिक में जाते हो, कहीं टेंट्स लेके जाते हो. सो टेंट भी जो है वो हमारा टेम्पररी हाउस है. क्यों? क्योंकि हम उसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते, हम जाते हैं, लगाते हैं, रहते हैं और फिर हटा देते हैं. इट इज मेड ऑफ थिक क्लोथ कॉल्ड कैनवस. और जो टेंट होता है उसका जो क्लोथिंग होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है और हम उसको कैनवस बोलते हैं. इट इज सपोर्टेड बाय पोल्स एंड रोप्स. और हमारा जो टेंट होता है उसे हम सपोर्ट कैसे करते हैं? हम पोल्स लगाते हैं, देन रोप के थ्रू उसको बांधते हैं. वी कैन सी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और हमें बहुत अलग अलग और बहुत स्पेशल तरह के घर देखने को मिल सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में. A house made on a boat is called a houseboat. और जो घर बोट पे बनाए जाते हैं हम उन्हें houseboat कहते हैं. It floats in water. और वो houseboat जो वो houseboats होती हैं वो कहाँ? पानी में चलती हैं.
It has all the facilities that we have in our houses. और उन हाउस बोट्स में वो सारी फैसिलिटी होती है जो फैसिलिटीज आपके अपने घर में है. यू कैन सी मेनी हाउस बोट्स इफ यू विजिट दाल लेक इन कश्मीर. अगर आप कभी भी कश्मीर जाएंगे वहां पे एक जगह है दाल लेक, वहां पे आपको बहुत सारी हाउस बोट्स देखने को मिल सकती हैं. Eskimos live in an igloo. In an igloo, it is made of snow. They are found in very cold area, which are always covered with snow. Eskimos हम किन्हें कहते हैं? वो लोग जो बर्फ बर्फ जैसी जगह पे घर बना के रहते हैं. Basically, उन घरों को हम igloo बोलते हैं. और igloo बनता किससे? Snow से. ठीक. और जो जो igloo होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. इसी वजह से उन regions में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. इस वजह से जो igloo होता है, वो हमेशा जो है, वो snow से कवर होता है. सो नाउ दिस इज इट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर थरली. ऑल द नोट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर विल बी अपलोडेड ऑन स्कूल मित्रा. काइंडली डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर एंड डू योर वर्क प्रॉपरली. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक यू.